कैसे क्या करूँ। तो मैंने आत्महत्या करने की सोच ली। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, दो दो रुपए इकट्ठे करके इसको दे दिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। वहीं अब इस मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है। जानकारी के मुताबिक ककराना निवासी वार्ड पंच दुर्गा सिंह ने नीमका थाना कोतवाली में मंत्री राजेंद्र गुड़ा सहित तीन लोगों के खिलाफ अपहरण और मारपीट कर जबरन हस्ताक्षर करवाने का मामला दर्ज कराया है। और अब 20 दिन लड़कियों की शादी करे तो कैसे क्या करूँ। तो मैंने आत्महत्या करने की सोच ली। अब दोनों लड़की और हमारे पास मरने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। मंत्री साहब, हमारी कोई भी सहायता करो, या तो इससे पैसे दिलाओ, नहीं तो अब 20 दिन रहे, अब कैसे क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, दो दो रुपए इकट्ठे करके इसको दे दिए। मेरे पति की तनख्वाह 10,000 रुपए, उसमें से मैंने 4 बच्चे पढ़ाए लिखाए भी हैं और इसको प्लॉट के पैसे भी दिए हैं। कभी 10,000 दिए, कभी 20,000 दिए, कभी 50,000 दिए, ऐसे कर करके इसको पैसे दिए और ये अब कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को। और ऐसे और बोलता है कि इसका मेरा तो रिवेलेशन ही अलग है, ये कलंक और लगा रहे हैं झूठा मेरे। हालांकि ये घटना 27 जनवरी की बताई जा रही है, लेकिन ये मामला मीडिया के सामने अब आया है। दुर्गा सिंह ने आरोप लगाए हैं कि 27 जनवरी को दोपहर तकरीबन 12 बजे मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा अपने ड्राइवर और पीए कृष्ण कुमार के साथ अपनी सरकारी गाड़ी में आए। एफआईआर में बताया गया कि इनके साथ ही एक अन्य लाल रंग की गाड़ी और एक पुलिस की गाड़ी भी थी, लेकिन पता नहीं वह कहां की थी। दुर्गा सिंह ने बताया कि राजेंद्र सिंह गुड़ा के अलावा तकरीबन 10 लोग और एक महिला विमला कंवर भी थी। इसके बाद मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कॉलर और गर्दन पकड़कर दुर्गा सिंह को अपने सरकारी गाड़ी में बैठा लिया। वहीं पीड़िता दुर्गा सिंह ने राजेंद्र गुड़ा पर खाली चेक पर जबरन साइन करवाने के आरोप भी लगाए हैं।